नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की ओर। चुनाव के अंतिम दौर में भाजपा कांग्रेस ने पूरी तरह प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में आज लालकुआ पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हवाई दौरा करते हुए लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट के लिए जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने पूरे मुख्यमंत्री हरीश रावत पर निशाना साधा। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उत्तराखंड के सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी नेता हरीश रावत है। पूरे उत्तराखंड में वह जगह जगह भागते फिर रहे हैं। भ्रष्टाचारी कोई है तो उनका नाम है हरीश रावत, है कि नहीं? अच्छा, ये वंशवादी आदमी है, इनको कुछ दिखाई नहीं देता अपने परिवार के अलावा। बाप चुनाव लड़ रहे हैं, बेटी भी लड़ रही है, पत्नी भी लड़ चुकी, बेटा भी लड़ चुका, और यहाँ एक बहन का और हक मार दिया। ये कांग्रेस वंशवादी पार्टी है। फरवरी में होने वाले मतदान के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। हैथीपरगढ़ के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित पोलिंग बूथों के लिए 18 पोलिंग पार्टियां आज जिला मुख्यालय से रवाना हो गई हैं। ये सभी पोलिंग पार्टियां कल अपने पोलिंग बूथों पर पहुंचेंगी। ये सभी दूरस्थ पोलिंग क्षेत्र विधानसभा धारचूला के अंतर्गत आते हैं। इसमें सबसे दूरस्थ पोलिंग स्टेशन मुनस्यान तहसील नामिका है, जहाँ पहुंचने के लिए पोलिंग पार्टियों को लगभग 175 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, जिसमें 25 किलोमीटर की दूरी पैदल चलना है। इन 18 पोलिंग स्टेशनों में अधिकतर वे इलाके शामिल हैं जो उच्च हिमालय क्षेत्रों से स्थित हैं और इन दिनों में बर्फबारी से प्रभावित हैं। हालांकि जिला निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि पोलिंग स्टेशनों तक सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं और पोलिंग पार्टियों को भी इन इलाकों में रहने के लिए स्लीपिंग बैग के साथ ही गर्म कपड़े मुहैया कराए गए हैं। P-3 पे आज हमारी 18 पार्टीज जा रही हैं। ये सारी धारचूला विधानसभा क्षेत्र की, इसमें जिसे कहा जाएगा सबसे दूरी पे स्थित हमारा जो बूथ है वो कनार और नामिक है, और इन पार्टियों के रुकने के जो अरेंजमेंट हैं वो सरकारी बिल्डिंग्स में किए गए नोटिफाइड एरियाज़ में, और उस संबंध में संबंधित प्रत्याशियों को सूचना भी दी गई है। और इन पार्टियों के साथ में एक फार्मासिस्ट भी भेजा जा रहा है जो कि लगातार ध्यान रखेगा स्वास्थ्य संबंधी उनका, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को इंश्योर करते हुए हम लोग वोटिंग करवाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही इनको सैटेलाइट फोन्स और आपदा से संबंधित कुछ सामग्री भी दी गई है, और मैं उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से मतदान करवाएं। बाद में मैंने एक VC के माध्यम से संबंधित एक्सीएंस को और SDMs को निर्देशित कर दिया है, और उस उन रास्तों में सुधार के लिए हमारी तैयारी है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया बाजपुर पहुंचे थे, जहां मनीष सिसोदिया ने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया और वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस भाजपा पर तंज कसते हुए कहा, दोनों पार्टियों ने विकास के नाम पर छल किया है, विकास का मॉडल बनाने के लिए आपको वोट दे, दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड का विकास किया जाएगा। आज आप उत्तराखंड आए हैं, किस तरह का सहयोग मिल रहा है उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को? उत्तराखंड में बहुत ज़बरदस्त सहयोग मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी है जिसको लोग इस रूप में देख रहे हैं कि यही पार्टी है जो हमारी एजुकेशन ठीक कर सकती है, हमें जॉब्स दे सकती है, केजरीवाल जी ने जो गारंटी दी है उनको पूरा कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो 5 साल सरकार में रही और कुछ किया नहीं, चुप कर जाए, और केवल मुख्यमंत्री बदलती रही। तीसरी तरफ कांग्रेस है, कांग्रेस उत्तराखंड में क्रेडिबिलिटी खो चुकी है। उत्तराखंड के लोगों को आज पता है कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गारंटी देना। कांग्रेस को वोट देने से कांग्रेस की सरकार नहीं बनती, BJP की सरकार बनती है। इसलिए कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी समर्थक हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते थे, वो अब या तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस को छोड़ के आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, या अंदर अंदर मन बना चुके हैं कि कांग्रेस के वर्कर भी इस बार आम आदमी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। कितनी सीट आ रही है आम आदमी पार्टी को? बहुमत की। अगर
आगामी 14 फरवरी को मतदान की तिथि नजदीक आते ही चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है। पार्टी का हर बड़ा नेता कई विधानसभाओं में जमकर मतदाताओं को पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष व जाने माने दिग्गज नेता शूरवीर सिंह सजवाड़ नरेंद्र नगर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी ओम गोपाल रावत के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी ओम गोपाल रावत ने पक्ष के पूर्व कैबिनेट व कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शूरवीर सिंह सजवाड़ ने जनसंपर्क करते हुए मतदाताओं से वोट के लिए खास अपील की। एक रजिस्ट्रार का दफ्तर यहां होता तो लोगों को रजिस्ट्री करने के लिए दूर न जाना पड़ता। जो आदमी इतनी छोटी तकलीफ को दूर नहीं कर सकता वो बड़े काम क्या कर सकता है, और लोगों को बड़े काम की उम्मीद है। बड़ा काम तब होगा जब कांग्रेस की सरकार में ओम गोपाल विधायक बनकर के जाएगा, आपका बेटा, गरीब का बेटा, और उसको लोगों के सुख दुख का ज्ञान है, लोगों से नाते रिश्ते से बात करता है, तहजीब से बात करता है, बहुत विनम्र है। और उसके ठीक विपरीत दूसरा जो व्यक्ति यहाँ है वो रावण की भूमिका निभाता है, वो अपने बड़ों को भी बहुत अपशब्द कहता है, और उनका उस अपशब्दों का बदला इस समय जनता चुकाएगी और अपने बेटे को यहाँ पे विधायक बना करके भेजेगी। रुड़की में विधानसभा आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी गुलबहार ने विशेष समुदाय के बहुल क्षेत्र में इमली रोड पर जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता रतनलाल ने कहा कि रुड़की विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में गुलबहार ख्वाजा चुनावी मैदान में उतारे हैं और कोई और भी किसी भी सरकार हमारी सहयोग के बिना उत्तराखंड में बनेगी। फिलहाल भारत के अंदर सबसे बड़ा तानाशाह के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा जो की गई है वो फाइनल है, ठीक है। अगर हाँ योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के चलते पर्चा ही ढंग से करा दिया तो एक अलग बात है, वरना योगी आदित्यनाथ को इंशाल्लाह हरा कराएंगे। आप रुड़की विधानसभा में हैं, गुलबहार भाई यहाँ से प्रत्याशी, क्या रुझान जनता का देखने को मिल रहा है? ये जनता का रुझान मैंने कौन सर्वे दिखाया, आपको दलितों की दो बड़ी जातियों का कौन सर्वे दिखाया, बाहर से आए हुए लोगों ने सर्वे किया, सर्वे कर कर बताया भैया ये बात माइक से बतवाया। मेरा मानना ये है कि आपको भी एक बार फील्ड में जाना चाहिए, और गुलबहार भाई का जो सज्जनता है, जो उनके काम करने का तरीका है, क्योंकि हमने इनको प्रत्याशी ऐसे नहीं बनाया, हमने इनका व्यवहार रखा। अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी की गई और मुसलमानों को ईसाइयों को मारने और काटने की बात की गई, लेकिन उसमें किसी भी पार्टी का कोई सामाजिक को कांग्रेस को बहुजन का कोई भी किसी तरह का बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी कोई किसी तरह का नेता या कोई सामाजिक आदमी कोई नहीं होता, लेकिन भीम आर्मी ने आंदोलन कर 153 में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भिजवाया। उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं, चुनाव प्रचार की अंतिम दौर में है। वहीं इस क्रम में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए शहीद विपिन रावत की फोटो लगाकर वोट मांगने का आरोप लगाया। जो आज की रैली में जो जनसैलाब था, उस जनसैलाब को देखते ही समझ आता है कि उत्तराखंड की जनता ने ठान लिया है कि डबल इंजन की सरकार बननी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे बननी है, और उत्तराखंड का जो आगामी जो दशक है, जैसा मोदी जी ने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, तो तय है उत्तराखंड की जनता ने ठान लिया। जब से मैंने नामांकन किया तब से मैं लगातार बोल रहा हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 60 बार, और दूसरा मैं कह रहा हूँ कि मैं पिछली बार 9000 वोट से जीता था, इस बार मैं 10000 से ज़्यादा वोटों से जीतने वाला हूँ। अब ना लोगों में कन्फ्यूजन है, ना प्रेस में कन्फ्यूजन है, ना मतदाताओं में कन्फ्यूजन है। अब यह है कि हमको अपनी लीड बढ़ानी है, और मैं कह सकता हूँ कि आज जो मोदी जी का आशीर्वाद हमको मिला है और पूरे उत्तराखंड के लोगों ने जो जो आज बात कही है, उससे उत्तराखंड की जनता अब ये समझ गई है कि किसकी सरकार बनाए। खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां श्रीनगर विधानसभा में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की। तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार गणेश गोदियाल ने भी जनता से अपने वोट
के लिए वोट मांगा। इस दौरान गणेश गोदियाल ने कहा कि धन सिंह रावत ने धनस्यारी की योजना का मजाक बनाया है। नरेंद्र नगर में कांग्रेस प्रत्याशी ओम गोपाल रावत लाओ लश्कर के साथ चुनाव प्रचार में पट्टी दोगी क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ गोपाल रावत शिवपुरी नोडू काटल से होते हुए तिमली पहुंचे, जहां उपस्थित कई ग्राम पंचायत ने ग्रामीणों ने गनभेदी नारों के साथ फूल मालाओं सहित उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर तिमली डाडा धार में विशाल जनसभा आयोजित की गई। इस भ्रमण कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगमोहन सिंह भंडारी और राजेंद्र भंडारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुद्दा सबसे पहले एक ही है कि जो यहाँ पे हमारे पूर्व में ये समझे उनको जो अभी विधायक है वो इतने अहंकारी हो गए हैं, इतना उनको अभिमान हो गया कि वो अपने को जनप्रतिनिधि मानते ही नहीं है। सिर्फ चंद लोगों के अपने चंद जो उनके लोग हैं जो चंद ठेकेदार हैं उनके प्रतिनिधि बन के रह गए हैं, आम जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है। आज जनता जो है स्वयं बदलाव के लिए सड़कों पे उतर आई है। ये चुनाव यहाँ नरेंद्र नगर में कोई ओम गोपाल नहीं लड़ रहा है, कोई कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही है, बल्कि जनता स्वयं परिवर्तन के लिए लड़ रही है। वो आपको जो है पूरी नरेंद्र नगर विधानसभा में दिख ही रहा है, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपको सब दिख रहा है। चार जो मूलभूत सुविधा जनता चाहती है वो आज तक क्षेत्र में पहुंची नहीं है। उत्तराखंड बने हुए 20 साल से ऊपर हो गया है, पानी यहाँ पर नहीं है, नेटवर्क यहाँ पर नहीं है, कई जगह रास्ते नहीं है, और स्कूल है वहाँ पर शिक्षा पे इन्होंने बहुत वार किया है। नशा गाँव गाँव फैला चुके हैं, ये ठेका खोलने का इनका बस नशा फैलाने का है, और कमीशन खोरी और जिसमें निर्माण हो वो काम ये कर रहे हैं, व्यवस्था इनका कोई नहीं है। तो इस बार सीधा बदलाव के लिए सारे लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। 15 साल से एक ही विधायक इन्होंने सुबह उनियाल जी को हटाना चाहते हैं, बच्चे महिला बुजुर्ग सब चाहते हैं कि इस बार ओम गोपाल जी आए और यहाँ पर विकास करे और परिवर्तन लाए। हमारे यहाँ 2 किलोमीटर रोड भाई ओम गोपाल ने 2007 में दी थी जब वो विधायक बने थे। वो 2 किलोमीटर रोड अभी उससे आगे गांव में आधा किलोमीटर भी नहीं बढ़ी है और न कोई विकास कार्य। आज तक एक बोर्ड सुबोध उनियाल जी बता दें हमारे गांव में 10,000 का, तो हम तो इसलिए भारी खपा है हमारे यहाँ की जनता कि ऐसे विधायक का हमने क्या करना है जिसने 10 साल तक भेदभाव किया है। जो बोर्ड ओम गोपाल रावत जी के लगे हुए हैं उनके अलावा एक बोर्ड भी आगे नहीं बना है कोई। हमारा ये गांव का विकास करे हम उसके साथ देंगे। अभी तो यहाँ पर पहले जो बीजेपी सरकार चल रही थी यहाँ पर देखा होगा आप लोगों ने, बीजेपी सरकार चलते हुए ना यहाँ पे पानी का व्यवस्था हुआ, ना हॉस्पिटल की व्यवस्था हुआ, ना स्कूल की व्यवस्था हुआ। जो जगह पे हम खड़े ऋषिकेश से शिवपुरी से 15 किलोमीटर यहाँ पर रोड फिनिश हुआ है, यहाँ से 150-300 मीटर जो रहा गांव तक रोड है, यहाँ तो कोई रोड का कोई सावधान नहीं हुआ। 5 साल हम ये चीज़ देख रहे हैं कि कब तक हमारे गाँव के बीच में रोड जाएगी, कोई रोड का नहीं हुआ। वहीं रुड़की में आम आदमी प्रत्याशी नरेश प्रिंस ने रुड़की टाकित से होकर मेन बाजार और रामनगर में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। बता दें कि जहां मतदान होने में 2 ही दिन शेष हैं, तो वहीं हर पार्टी के प्रत्याशी लोगों के बीच जाकर अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। तो वहीं आज आम आदमी प्रत्याशी नरेश ने भी रुड़की के मेन बाजारों में लोगों के बीच जनसंपर्क किया। इस दौरान आम आदमी प्रत्याशी नरेश ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी आपस में ही आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बार मुझे भीख दे दीजिए, बस मेरा इतना ही कहना था। आप लोग मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं हक पर रहूं। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।